जम्मू कश्मीर एक बार फिर धमाके की घटना से दहल उठा। दरअसल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहाल के पास एक कार में संदिग्ध धमाका हुआ। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाका जिस सेंट्रो कार में हुआ उस समय वहां से सेना का काफिला गुजर रहा था। बता दें पुलवामा में हुए आतंकी हमले के घाव अभी भी ताजा है। ऐसे में एक बार फिर वैसी ही बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी सामने नहीं आ पाया है कि इस हमले के पीछे आतंकी साजिश है कि नहीं। गनीमत ये रही कि यह हमला नाकाम रहा है। हालांकि सीआरपीएफ ने फिलहाल इसे आतंकी घटना करार नहीं दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाका कार में सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हुआ, लेकिन धमाका इतनी तेज था कि कार के परखच्चे ही उड़ गए और सीआरपीएफ की बस को भी मामूली नुकसान हुआ। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत जब भी सुरक्षा बलों का काफिला हाईवे से गुजरेगा तब आवाजाही रोक दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि गाइडलाइन जारी होने के बाद भी बनिहार टनल के पास सीआरपीएफ के काफिले के पास ये संदिग्ध धमाका कैसे हुआ। स्पेशल डेस्क नवतेश टीवी। नवतेश टीवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।